हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये बहुत प्यारे से न्यू बॉर्न बेबी के लिए ये बनी बूटीज लेके आई हूँ। ये मैंने 0 to 3 month के बच्चे के लिए बनाया है। देखिए कितने प्यारे से हैं ये। देखिए बैक साइड से बिल्कुल नीचे से इतने प्यारे लगते हैं, ऐसे फिनिशिंग से बने हैं बहुत ज़्यादा। और ये नीचे से ही बनना स्टार्ट होते हैं और ऐसे बुनते हुए हम इसे ऊपर तक बुनते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा इसका तरीका बताऊंगी कि ये कैसे बनाने हैं आपको। फ्रेंड्स, ये जो हम बूटी बनाएंगे, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहां से स्टार्ट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। आपको जिस भी मेथड से फंदे डालना आता है, आप उससे डाल सकते हैं। मैंने लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड से इसमें फंदे डाले हैं और इसका मेथड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको इस मेथड से फंदे डालना सीखना है तो आप सीख सकते हैं लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड। ये सबसे ईजी होता है और बहुत अच्छे फंदे आते हैं इसमें। अब देखिए, मैंने इसमें 43 स्टिच लिए हैं, यानी कि 43 फंदे। अब देखिए, फर्स्ट रो जो होगी हमारी, इसमें हमने पूरी रो अपनी सारे फंदे इसके उल्टे बुनने हैं फर्स्ट रो के। इसमें जो हमने सलाई ली है वो 10 नंबर की सलाई से मैं ये बनाऊंगी, मेटल वाली 10 नंबर की सलाई। सारे फंदे इस तरीके से बुनते हुए आप अपनी ये पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। हर फंदे को उल्टा बुनना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने अपनी ये वाली पूरी रो कंप्लीट कर ली है। फर्स्ट रो हमने बुनी उल्टी, बैक साइड की रो थी हमारी ये। अब हमारी ये फ्रंट साइड की रो आ गई है। देखिए, हमें इसमें पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद ऊन आपको आगे से पीछे ऐसे घुमाना है सलाई में, और फिर आपको 20 फंदे बुनने हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए, हमें फिर से ऊन को आगे से पीछे ऐसे घुमाना है सिलाई में इस तरीके से। देखिए, ये ऊन है आपका, इसे आपने ऐसे ले जाना है। अब इसके बाद ये जो फंदा है, इसे आप सीधा बुनेंगे एक फंदे को, और फिर आपको ऊन को दोबारा से ऐसे घुमाना होगा ऐसे। अब फिर आपको 20 फंदे बुनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 फंदे। इसके बाद देखिए, आपको फिर से ऊन को ऐसे घुमाना है आगे से पीछे, और ये वाला फंदा जो है एंड वाला, इसको बुन लेना है फिर सीधा। तो ये देखिए, आपके इसमें 4 फंदे बढ़ गए। एक हमने सबसे यहाँ पे बढ़ाया, देखिए फर्स्ट वाले में, और 2 फंदे ये बढ़ाए। जो तिरछे तिरछे फंदे आपको दिख रहे हैं, ये हमारे बढ़े हुए फंदे हैं। 4 फंदे हमने बढ़ा लिए, एक इधर और 2 बीच में। अब हमारी ये बैक साइड की रो है, ये पूरी रो हम सीधी बुनेंगे, हर फंदे को सीधा। देखिए, पहला फंदा आप बिना बुने उतारेंगे ऐसे, उसके बाद जो तिरछा फंदा है ये, इसे आप देखिए कैसे बुनेंगे, ऐसे और ऐसे, इस तरीके से बुनेंगे। उसके बाद के भी आप सारे फंदे को सीधे बुनेंगे,
जितने भी फंदे हैं आपके, पूरी रो आप ऐसे कंप्लीट करेंगे हर फंदे को सीधा बुनते हुए, और तिरछा फंदा भी बुनेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। इस तरीके से आप अपनी ये वाली पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं बैक साइड की रो, जो फ्रंट साइड की रो आएगी उसमें बताऊंगी आपको क्या करना है। इस तरीके से हमने अपनी पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब हमारी ये फ्रंट साइड की रो है, फिर से हमें चार फंदे बढ़ाने हैं। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद फिर से ऊन को ऐसे घुमाएंगे आगे से पीछे, और फिर हम अपने फंदे बुनेंगे। देखिए 20 फंदे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये देखिए 20 फंदे। अब इसके बाद हमें ऊन को अपने देखिए 20 फंदे ये बुने, अब हम एक फंदा और इसके साथ बुनेंगे, 21 फंदे हो जाएंगे। 21 फंदे जब हमारे ये हो गए, 21 स्टिच हो गए, देखिए ऊन को फिर हमें आगे से पीछे घुमाना है और तीन फंदे बुनने हैं बीच वाले, 1, 2, 3 फंदे सीधे, फिर ऊन को घुमाएंगे आगे से पीछे और फिर यहां से यहां तक 21 फंदे बुनेंगे गिनकर। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये वाला फंदा 21। अब इसके बाद एक फंदा बचा है हमारा, हम ऊन को आगे से पीछे घुमाएंगे और लास्ट वाला फंदा सीधा बुनेंगे। बैक साइड की रो में हर फंदा आप सीधा बुनेंगे, तिरछे वाले फंदे को भी बुनेंगे। अब फिर से हमारी ये फ्रंट साइड की रो है, इसमें देखिए हमने पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद ऊन को आगे से पीछे ऐसे घुमाएंगे। अब हमें बुनने होंगे 22 फंदे, 22 स्टिच, 1, 2, 3, 4, 21, 22 फंदों के बाद देखिए हमें फिर से ऊन को आगे से पीछे ऐसे लेना है। अब पांच फंदे बीच के सिंपल बुने जाएंगे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम फिर से ऊन को आगे से पीछे लेंगे और फिर हम 22 फंदे बुनेंगे गिनकर, 22 स्टिच, 21 और ये वाला फंदा बुना हमने 22। अब देखिए फिर से हम ऊन को आगे से पीछे ऐसे कर घुमाएंगे और ये लास्ट वाला फंदा सीधा बुनेंगे। अब इसके बाद की बैक साइड की रो है, उसको आप पूरा सीधा बुनेंगे, हर फंदे को सीधा बुन लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पे हमारे अब 55 स्टिच हो गए हैं, 55 फंदे हो गए हैं, चार चार फंदे हमारे तीन बार बड़े हैं। अब इसके बाद हमें ये हमारा जो नीचे का पार्ट है ये वाला पूरा हो गया है, ये वाला पार्ट। अब हमें ये कंगूरे वाला पार्ट बनाना है, इसके लिए हमें व्हाइट कलर की ऊन लेनी है और उसे यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे। ये व्हाइट कलर की ऊन लेकर इसको आप यहाँ पर ऐसे नॉट बांध लेंगे, देखिए डबल नॉट बांध लेंगे आप ताकि खुले नहीं, एक बार और एक बार और बांध लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे हम इसे, अब इसके बाद ये जो है सारे फंदे आपके व्हाइट कलर से बुने जाएंगे। इस पूरी रो को आप सीधा बुनेंगे, हर फंदे को सीधा बुन के, फ्रंट साइड की आपकी ये रो है,
ये देखिए ये आपकी फ्रंट साइड की रो है। अब आप इसके सारे फंदों को व्हाइट कलर से बनाएंगे और सीधा बनाएंगे। इस रो को ऐसे सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लीजिए और इसके बाद की जो बैक साइड की रो आएगी उसको आप उसके सारे फंदे आप उल्टे बुनेंगे और फिर उसके बाद फ्रंट साइड की रो आएगी उसके सारे फंदे आप सीधे बुनेंगे और फिर एक बैक साइड की रो आएगी उसके सारे फंदे आप उल्टे बुनेंगे। चार सिलाई आप कंप्लीट कर लीजिए। ये फ्रंट साइड की रो है, सारे फंदे सीधे, बैक साइड की रो के सारे फंदे उल्टे, फिर फ्रंट साइड की रो के सारे फंदे सीधे, फिर बैक साइड की रो जो आएगी उसके सारे फंदे उल्टे। फिर मैं आपको ये कंगूरे बताऊंगी ये कैसे बनेंगे। आप चार सिलाई बुन लीजिए पहले। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अब हमने अपनी ये चार रो कंप्लीट कर ली है। एक सिलाई पूरी सीधी बनी और बैक साइड की उल्टी, फिर सीधी, फिर बैक साइड की सिलाई उल्टी। तो हमारा ऐसा पैटर्न देखिए ऐसा है। अब इसके बाद हमें ये वाले कंगूरे बनाने हैं जो फ्रंट साइड से आपको दिख रहे होंगे। इसे बनाने के लिए पहला फंदा आप बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद देखिए ऊन को आगे लेंगे और दो फंदों को आप एक साथ ऐसे बैक साइड से सिलाई डालेंगे और दो फंदों को एक साथ बुनेंगे। ये देखिए ऊन आपका आगे है और बुन रहे हैं आप ऐसे सीधा। तो ये दो फंदों का एक फंदा बनाते जाएंगे और ऊन आगे लेते जाएंगे, फिर ऊन आगे लेंगे, उसके बाद फिर से आगे के जो दो फंदे हैं इनमें हम अपनी सिलाई डालेंगे ऐसे बैक साइड से और दोनों को हम एक साथ बुनेंगे। देखिए इस तरीके से देखिए एक फंदा सीधा आ रहा है, फिर एक तिरछा, फिर एक सीधा, फिर एक तिरछा फंदा आ रहा है। फिर आप ऊन आगे लेंगे, उसके बाद फिर से दोनों फंदों में एक साथ बैक साइड से सिलाई डालेंगे और इन्हें बुन लेंगे सीधा, दो को एक बना लेंगे। देखिए ऐसे ही आपको पूरी सिलाई में रिपीट करते जाना है। ऊन आगे लेना है और दो फंदों का एक फंदा बनाना है, फिर ऊन आगे लेना है, फिर दो फंदों का एक फंदा बनाना है। इस तरीके से आप अपनी ये वाली पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। एंड में मैं आपको बताऊंगी जब थोड़े से फंदे रह जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे ये सिर्फ चार फंदे बचे हैं लास्ट के। तो यहाँ पे देखिए ऊन हम आगे लेंगे और दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे ऐसे, और फिर उसके बाद हम ऊन आगे लेंगे और ये लास्ट वाले भी दो फंदे हैं इन्हें एक साथ बुनेंगे ऐसे। इस तरीके से हमारी ये पूरी रो कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसकी बैक साइड की रो है ये देखिए हमें कैसे बनानी है। इसमें हमें हर फंदे को उल्टा बुनना है। देखिए फर्स्ट वाला फंदा जो है इसको आप बिना बुने उतार लेंगे और उसके बाद के सारे फंदे आप उल्टे बुनेंगे। ये देखिए ऐसे तिरछे फंदे जो आ रहे हैं इन्हें भी आपको बुनना है लगातार। फिर एक फंदा देखिए सीधा आ रहा है, एक तिरछा आ रहा है, ऐसे बुनते जाइए सारे फंदे उल्टे। ये देखिए ऐसे ऐसे लेते हुए इस पूरी रो को आप अपनी कंप्लीट कर लीजिए और इसके बाद आपको एक पूरी सिलाई सीधी बुननी होगी और फिर उसके बाद की एक सिलाई उल्टी बुननी होगी, फिर उसके बाद की जो फ्रंट साइड की रो होगी वो मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। आप अपनी इस वाली सिलाई को पूरा करके दो सिलाई और बुन लीजिएगा। एक पूरी सिलाई फ्रंट साइड की पूरी सीधी बुनिएगा और बैक साइड की सिलाई फिर उसके बाद की पूरी उल्टी बुन लीजिएगा। फिर मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। इस तरीके से ये हमने अब अपने दो सिलाई और कंप्लीट कर ली है। तो हमारा इतना पार्ट बन गया है पूरा। अब इसको मैं आपको बताऊंगी कि ये जो ऐसा हो रहा है ये कैसे आएगा। इसको देखिए हम ऐसे करके जब आप फोल्ड करेंगे तो देखिए आप कैसे कंगूरे आ रहे हैं।
तो आपको ये वाला फंदा जो है फर्स्ट अप वाला अपना, इसको बुनना है इस वाले फंदे के साथ। देखिए गौर से देखिएगा, जो ये आपकी लाइन है, ये जो व्हाइट और पिंक कलर की लाइन है ये वाली, तो इसमें जो आपके ये वाले फंदे दिख रहे हैं आपको, देखिए ये वाला और पहला तो ये है फर्स्ट, ये है, और उसके बाद देखिए ये आया, और फिर उसके बाद देखिए ये वाला फंदा है। तो ये वाले फंदे को इस वाले फंदे के साथ मिला के बुनना है। देखिए कैसे बुनेंगे, पहला फंदा आप बिना बुने उतार लेंगे, ये वाला फंदा बिना बुने राइट हैंड वाली जो आपकी सिलाई है इस पे ले लेंगे। अब आप क्या करेंगे, देखिए ये जो आपका पहला वाला फंदा है बिल्कुल कोने वाला, इसको आप अपनी राइट हैंड वाली सिलाई में ऐसे लेंगे, और इन दोनों फंदों को एक साथ आपने उल्टे हाथ की सिलाई को इन दोनों फंदों में एक साथ डालना है। देखिए ऐसे फ्रंट साइड से ऐसे, देखिए, और आपको आप पिंक कलर से बनाना है, पिंक कलर से दोनों फंदों को सीधा बुनना है मिलाकर ऐसे। अब फिर से आप यही रिपीट करेंगे, दूसरे फंदे को बिना बुने उतारेंगे सीधे हाथ की सिलाई में, और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वाला नीचे वाला दूसरा वाला फंदा है, देखिए फर्स्ट हो गया था, अब यह है सेकंड फंदा, तो इसको अपनी सिलाई में ऐसे लेंगे और इन दोनों फंदों में अपनी उल्टे हाथ वाली सिलाई को ऐसे डालेंगे नीचे की साइड, देखिए फ्रंट साइड से ऐसे डालेंगे, और दोनों फंदों को पिंक कलर से एक साथ बुन लेंगे ऐसे। अब आपके सारे फंदे पिंक कलर के हो जाएंगे, ये पूरी रो। फिर देखिए इस वाले फंदे को बिना बुने उतारेंगे सीधे हाथ की सिलाई में, और ये जो आपकी सीधे हाथ की सिलाई है इसे डालेंगे तीसरे नंबर के बिल्कुल नेक्स्ट वाले फंदे पे। देखिए ये वाला बिल्कुल नेक्स्ट वाला फंदा है, इस पे लेंगे और इन दोनों को आप एक साथ बुनेंगे ऐसे और ऐसे, यही आप रिपीट करते जाएंगे लगातार एंड तक, बिल्कुल बराबर वाला फंदा लेते जाएंगे। देखिए एक भी फंदा आपको छोड़ना नहीं है, एक के बाद एक फंदा लेना है आगे वाला, दोनों को एक साथ बुनेंगे ऐसे, तो आपका देखिए ऐसे कंगूरे आते जाएंगे। इस तरीके से आप अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे बिल्कुल एंड तक। इस तरीके से ये हमारी पूरी रो हमने कंप्लीट कर ली है। देखिए कंगूरे हमारे पूरे बन गए हैं। अब हमारी बैक साइड की रो है, इसमें हमें सारे फंदे उल्टे बुनने हैं, और फ्रंट साइड की रो के सारे फंदे सीधे बुनने हैं। देखिए हम ये वाला पार्ट बनाएंगे अपना, यहां से लेकर के यहां तक। तो ये पार्ट बनाने के लिए हमें 10 सिलाई पूरी बुननी है, एक सिलाई हमारी ये वाली हो गई है, अब हमें 9 सिलाई अपनी और बुननी है। तो सारे फ्रंट साइड की रो के सारे फंदे जो है सीधे बुने जाएंगे, और बैक साइड की रो के सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। ऐसे बुनते हुए आप अपनी 9 रो और कंप्लीट कर लीजिए, एक बैक साइड की रो, फिर फ्रंट साइड की रो सीधी, फिर बैक साइड की रो उल्टी, फ्रंट साइड की रो सीधी, ऐसे बुनते हुए आप अपनी 9 सिलाई कंप्लीट करिए। फिर मैं आपको बताऊंगी आपको ये वाला जो पार्ट है ये कैसे बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने यहां से यहां तक बुन के अपनी 10 सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हमारे पास जितने फंदे हैं इन्हें हमने डिवाइड करना है। देखिए हमने 22 स्टिच इधर लेके यहां पे मार्कर लगा लिया है 22 फंदों पर, यहां से यहां तक गिनकर। उसके बाद
यहां से यहां तक हमने गिना, ये भी हमने 22 फंदों पर मार्कर लगा लिया है, यानी कि 22 स्टिच पे। अब हमारे जो बीच के फंदे हैं ये बचे हैं 11 फंदे, 11 स्टिच। ये जो है मार्कर, इसके बीच के जो फंदे हैं ये है हमारे 11 फंदे। अब देखिए हमें ये कैसे बुनना है, इसका हम ये वाला पार्ट बना रहे हैं। तो इसे हमें बनाने के लिए ये सारे फंदे, पहले 1 से लेकर के 20 तक के फंदे सारे बुनने हैं प्लेन सीधे। ऐसे बुनते हुए अब अपने 20 फंदे तक पहुंची, फिर मैं आपको बताती हूँ आपको आगे कैसे बुनना है। ऐसे बुन लीजिए, 21 और ये वाला हमने फंदा बुना, तो ये हो गए हमारे 22 फंदे, यहां से यहां तक 22। अब इसके बाद देखिए ये आपका मार्कर है, इसे आप ऐसे ही रहने दीजिए अभी, और आप इसके आगे के भी सारे फंदे ये इसे इस सलाई में ले लेंगे आप मार्कर को। अब इसके बाद के सारे फंदे हम बुनेंगे, 11 फंदे हैं बीच के, उनको ऐसे ही बुनेंगे हम प्लेन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 फंदे जब आप बुन लेंगे उसके बाद ये 11वें नंबर का फंदा और इसके आगे का जो फंदा है, ये दो फंदे हमें एक साथ मिला के दो फंदों का एक फंदा बनाना है। तो ये जो आपका मार्कर है इसको आप हटा लीजिए यहां से, और इसको देखिए ये वाले और ये वाले फंदे को एक साथ मिला के आपने बैक साइड से अपनी सलाई को डालकर ऐसे सीधा इन्हें ऐसे बुनना है इस तरीके से। अब आपको इसके आगे के फंदे नहीं बुनने हैं, यही फंदे सिर्फ बुने जाएंगे बीच वाले, इसे आप ऐसे ही पलटा लेंगे। अब इसके बाद ये वाला फंदा बिना बुने उतारेंगे और देखिए 10 फंदे आपको फिर से बुनने हैं। ये वाला एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और देखिए 10 फंदा। अब ये वाला फंदा और इसके आगे वाला फंदा दोनों को हमने एक साथ मिला के बुनना है। अब ये वाला मार्कर भी हम अपना हटा देंगे। अब देखिए ये दो फंदों को आपने एक साथ मिला के जैसे उल्टा फंदा बुनते हैं ऐसे ही दोनों को एक साथ बुन लेना है इस तरीके से। या आप फिर से पलटा लेंगे यहीं से। अब आप ये वाला फंदा बिना बुने ऐसे देखिए इधर ले लेंगे और गिनेंगे 10 फंदे। ये एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए ये दो फंदों को आपने एक साथ बुनना है, ऐसे बैक साइड से सिलाई को डालना है दोनों फंदों में और इन्हें सीधे फंदे की तरह ऐसे बुन लेना है। और इसके बाद हम इसे फिर से पलटा लेंगे और फिर हम देखिए पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और इसके आगे के फंदे गिन के बुनेंगे। ये एक हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए ये 11 और 12 ये वाला नंबर जो है आपका, ये वाला और ये वाला फंदा दोनों को ऐसे उल्टे फंदे की तरह एक साथ बुन लेंगे आप और फिर इसे पलटा लेंगे। यही आपको रिपीट करते जाना है, इधर से भी एक फंदा कम करते जाना है और इस साइड से भी एक फंदा कम करते जाना है ऐसे ही बुनते हुए। ये आपके फंदे धीरे धीरे कम होते जाएंगे। जब आपके ये वाले फंदे 13 रह जाएं, 13 स्टिच जब आपके रह जाएं, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये 13, इतने देखिए आपके जब इतने स्टिच रह जाएंगे तब तक आपको ये वाली घटाई लगातार करती रहनी है। एक फंदा इधर से और एक इधर से घटाते जाना है। इधर से भी आपके 13 फंदे रह जाएंगे और इधर से भी आपके 13 फंदे रह जाएंगे, यानी कि 13 स्टिच इधर से और 13 स्टिच इधर से रह जाएंगे। तब तक आप इसे बुनते जाइए, फिर मैं आपको इसके आगे बताऊंगी आपको क्या करना है।
इस तरीके से अब हमारे इधर भी 13 स्टिच हो गए हैं, इधर भी, और ये बीच के हमारे 11 फंदे हैं। देखिए अब यहां से हमने यहाँ पे एक फंदा कम करा है, तो अब हमारे यहाँ 13 है। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13। अब देखिए यहाँ पे हमने अभी अभी फंदा कम करा है। अब इसके बाद हम यहीं से इसको आगे बुनना स्टार्ट कर देंगे। अब हम इसे पलटेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे 13 फंदे बचे हैं जितने हमें चाहिए थे। अब यहां से देखिए ऐसे मिलाते हुए इसको आगे हम बुन लेंगे पूरा। ये सारे फंदे उल्टे बुन के इसे हम कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद देखिए हमें इसको पलट कर बुनना होगा। सीधी सिलाई अपनी है हमारी, यहां से हमें इसकी ये वाली पूरी रो अब हम बुनेंगे। अब यहाँ पे हमें देखिए ये वाला पार्ट बनाना है इसका। देखिए एक फंदा सीधा और एक उल्टा ऐसे बुन के हमें ये वाला पार्ट बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हम अब यहाँ पे बनाएंगे, देखिए ऐसे यहां से आप फ्रंट साइड की रो से इसे स्टार्ट करेंगे बुनना। पहला फंदा सीधा बिना बुने उतारेंगे, ऊन आगे लेंगे, एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे लेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, ऐसे बुनते हुए इस पूरी रो को आप अपनी कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद आप पूरा ये वाला बॉर्डर अपना, जो एक सीधा एक उल्टे का बनता है, ये वाला बॉर्डर आप पूरा करेंगे। ये वाली सिलाई पूरी बुनने के बाद बैक साइड की रो में जो फंदा जैसा दिख रहा है वो फंदा वैसा ही बुनेंगे। सीधा फंदा दिख रहा है तो सीधा, उल्टा फंदा दिख रहा है तो उल्टा, और ऐसे ही बुनते हुए आप अपनी देखिए कितनी सिलाई हमें बुननी है। यहां से लेकर यहां तक आपको बुननी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 सिलाई आप अपनी ये पूरी यहां से यहां तक बुन लीजिए, एक सीधा और एक उल्टे का बॉर्डर बुनते हुए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आगे आपको क्या करना है। ये हमने इतना पार्ट अपना बना लिया है। अब इसके बाद देखिए हमें ये वाला पार्ट बुनना है। तो इसमें हमें कितनी लाइन्स है मैं आपको दिखा दे रही हूं गिनकर। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपको 8 रोज बुननी है। इसके बाद ये ऐसे फोल्ड होके आ रहा है हमारा ये वाला हिस्सा, ये आपकी 8 रोज यहां पर आएंगी। फ्रंट साइड से उल्टी बुनी जाएंगी और बैक साइड से सीधी बुनी जाएंगी। 8 सिलाई आपको बुननी है। पहली सिलाई आपकी यह देखिए, इसमें सारे फंदे हम फ्रंट साइड से बुन रहे हैं। देखिए ये हमारा पूरा फ्रंट साइड का हिस्सा है, इसमें सारे फंदे आप उल्टे बुनेंगे इस सिलाई में, और जो बैक साइड की रो आएगी उसमें आप सारे फंदे सीधे बुनेंगे। फिर फ्रंट साइड की रो में सारे फंदे उल्टे बुनेंगे, बैक साइड की रो में सारे फंदे सीधे बुनेंगे। ऐसे करते हुए आप अपनी 8 सिलाई कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आपको इसके आगे क्या करना है। आप अपना 8 सिलाई कंप्लीट कर लीजिए, ये वाली सिलाई पूरी उल्टी, और फिर इस साइड से जो सिलाई आएगी वो पूरी सीधी, और फिर बैक साइड की सिलाई उल्टी, फ्रंट साइड की सिलाई उल्टी सॉरी, और बैक साइड की सिलाई सारी सीधी बुनेंगे आप, तब आपका देखिए ये वाला पार्ट ऐसे आएगा। फिर मैं आपको बताऊंगी आपको आगे क्या करना है। 8 रो आप कंप्लीट कर लीजिए अपनी इस तरीके से बुनते हुए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अब हमने ये अपनी 8 लाइन कंप्लीट कर ली है। ये वाला पार्ट पूरा उल्टा बनाया है, देखिए फ्रंट साइड से ये वाला पार्ट पूरा उल्टा है और बैक साइड से ये देखिए सीधा आ रहा है इस तरीके से। अब आपको ये वाली एक लाइन बुननी है। देखिए आपने यहां से लेकर के यहां तक कंप्लीट कर लिया है। अब आपको यहां पर एक लाइन आपको देखिए ऐसे दिख रही होगी, ये बनानी है आपको।
ये कैसे बनेगी देखिए, ये आपका फ्रंट साइड है। अब आपको फ्रंट साइड से एक सलाई पूरी, ये वाली सलाई सीधी बुननी है, हर फंदा इसका सीधा बुनना है। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और इसके बाद के देखिए सारे फंदे आप सीधे बुनेंगे, ऐसे हर फंदे को एक सलाई आप कंप्लीट कर लीजिए। ये वाली फ्रंट साइड की रो सारे फंदे सीधे बुनने हैं इस तरीके से। ये फ्रंट इस तरीके से देखिए, इस तरीके से अब हमने ये वाली पूरी रो अपनी कंप्लीट कर ली है सीधी बुनी बुनकर। अब इसके बाद हमें बैक साइड से देखिए कैसे बनेगा। अब आपको ये जो आपने यहां से लेकर यहां तक 8 सलाई बनाई थी, अब यहां पे देखिए कितनी रो और बनानी है ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 सात सलाई यानी कि 7 रोज आपको और ऐसे ही बुननी है जैसे अभी आपने ये वाला पार्ट बुना था। अब आपको देखिए ये बैक साइड का पूरा आपका पार्ट है ये वाला। अब आपको ये वाली रो पूरी सीधी बुननी है फिर से, इसका हर फंदा आप सीधा बुनेंगे और जो फ्रंट साइड की जितनी भी रोज आएंगी वो सारी उल्टी बुनी जाएंगी, सारे फंदे उल्टे, और ये जो बैक साइड की जितनी भी रोज आएंगी जैसे यहाँ पे आपने बनाया था वैसे ही आप यहाँ पे बनाएंगे। 7 सलाई आप अपनी और इतना पार्ट कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं उसके आगे बताऊंगी ये व्हाइट कलर का कैसे बनेगा। ये जो आपका बना है देखिए इस तरीके से, फिर मैं आपको बताऊंगी ये वाला पार्ट कैसे बनेगा। पहले आप अपना ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लीजिए, 7 सलाई आपको और बुननी है यहाँ पे, ये बैक साइड की रो से सीधा बुनना है और फ्रंट साइड की रो से आपको उल्टा बुनना है सारे फंदे। इस तरीके से बुनते हुए हमने अपनी ये वाली 7 रोज और कंप्लीट कर ली है। देखिए ये फ्रंट साइड से हमारा ऐसे बन रहा है, ये देखिए। अब हम यहाँ पे है अभी इस टाइम, अब हमें ये वाला देखिए व्हाइट कलर यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो अब इसे कैसे ज्वाइन करेंगे, जैसे आपने नीचे व्हाइट कलर ज्वाइन करा था वैसे ही यहाँ पे भी ज्वाइन करेंगे। ऊन लेकर अपना यहाँ पे हम इसमें नॉट लगा लेंगे, यहाँ पे अपना ऊन हमने ज्वाइन कर लिया है। अब ये सारे फंदे हमने व्हाइट कलर के ऊन से बुनने हैं इस वाली रो में, तो ये सारे फंदे अब हम उल्टे बुनेंगे, हर फंदे को उल्टा बुनना है देखिए ऐसे। ऐसे हर फंदे को उल्टा बुनते हुए ये वाली रो आप अपनी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद मैं आपको बैक साइड की रो में बताऊंगी आपको क्या करना है। इस पूरी रो को आप कंप्लीट कर लीजिए, सारे फंदे उल्टे बुन लीजिए। इस तरीके से ये वाली रो हमने कंप्लीट कर ली अपनी, पूरी उल्टी बुनी थी। अब देखिए ये हमारा पूरा बैक साइड वाला पोर्शन है। अब ये वाली सलाई में भी हम सारे फंदे उल्टे बुनेंगे, व्हाइट कलर से ही बुनेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और उसके बाद के देखिए सारे फंदे आपको ऐसे उल्टे बुनने हैं। अब इस वाली सलाई के बाद आपको 2 सलाई और बुननी है, सारे फंदे उल्टे ही बुनते हुए 2 सलाई आपको और कंप्लीट करनी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आगे आपको कैसे बुनना है। व्हाइट कलर से ये वाली सलाई पूरी कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद 2 सलाई और कंप्लीट करनी है, सारे फंदे उल्टे इधर की साइड से भी और सारे फंदे उल्टे इधर की साइड से भी बुनते हुए। तो आपका देखिए ये वाला पार्ट बन जाएगा, ये वाला यहां से यहां तक आप ये अपना कंप्लीट कर लीजिए। देखिए इस तरीके से हमने अपनी ये 4 सलाई पूरी कंप्लीट कर ली है, चारों सलाई उल्टी बुनकर। अब हमें ये वाला जो है देखिए पिंक कलर वाला ये बनाना है। देखिए ये जो लाइन आ रही है पिंक कलर की, ये कैसे बनेगी देखिए। अब आपका ये वाला फ्रंट साइड का पूरा ये पोर्शन है,
इसमें देखिए अब आपको ये वाली पूरी सिलाई भी पिंक कलर से आपको सारे फंदे उल्टे बुनने हैं, ठीक है। ऐसे ये सारे फंदे आप पिंक कलर से उल्टे बुन के ये वाली अपनी रो कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं बैक साइड की रो में आपको बताऊंगी आपको क्या करना। अब ये हमारी फ्रंट साइड की रो है, इसमें आपको सारे फंदे सीधे बुनने हैं पिंक कलर से ही। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और उसके आगे के सारे फंदे आप सीधे बुनेंगे। ये वाली रो कंप्लीट कर लीजिए हर फंदे को सीधा बुनते हुए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी आपको क्या करना है। ये वाली रो भी हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। अब ये देखिए फ्रंट साइड का आपका पूरा ये वाला पोर्शन है। अब आपका फिर से व्हाइट कलर यूज होगा, ये देखिए ये वाला ये बना रहे हैं हम लास्ट वाला जो व्हाइट कलर का ये है लाइनिंग। तो देखिए इसमें आपको सफेद कलर का जो आपका ये वाला ऊन है इससे सारे फंदे पूरे उल्टे बुनने हैं इस रो में, और इसके बाद आपको दो रो और कंप्लीट करनी है। इसके बाद ये वाली पूरी सिलाई आपकी उल्टी है, हर फंदा आप उल्टा बुन रहे हैं। उसके बाद आप इस साइड की पीछे वाली जो सिलाई आएगी उसके भी सारे फंदे उल्टे बुनेंगे, और फिर ये इधर वाली सिलाई आएगी इसके भी सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। तो ऐसे आपकी तीन रो कंप्लीट हो जाएंगी। फिर मैं आपको बताऊंगी कि फंदे कास्ट ऑफ कैसे करे जाएंगे, आप अपना कंप्लीट कर लीजिए तीन सिलाई। इस तरीके से देखिए आपने अपनी तीन सिलाई कंप्लीट कर ली है सारे फंदे उल्टे बुनते हुए। अब हमारे देखिए फ्रंट ये आपकी बैक साइड है पूरी ये वाली, तो यहां से आपके देखिए ये वाली व्हाइट कलर की एक लाइन दिख रही होगी आपको ऐसे आती हुई। अब हमें फंदे कास्ट ऑफ करने हैं, यहीं से हम फंदे कास्ट ऑफ करेंगे। ये बैक साइड का आपका पोर्शन है, यहीं से हम फंदे कास्ट ऑफ करना स्टार्ट करेंगे। तो आप देखिए फंदे कैसे घटाएंगे, दो फंदों को एक साथ मिलाकर उल्टे फंदे की तरह एक कर लेंगे ऐसे। फिर इस फंदे को ये वाली सिलाई में लेंगे देखिए वापस से, और दो फंदों को एक साथ ऐसे जैसे उल्टा फंदा बुनते हैं ऐसे बुन लेंगे, और इसी तरीके से आप अपने सारे फंदे ऐसे ही कास्ट ऑफ करेंगे इस तरीके से। ऐसे करते हुए आप अपने सारे फंदे कास्ट ऑफ कर लीजिए, एंड में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। अब इस तरीके से तीन फंदे हमारे पास बचे हैं, दो फंदों को हम एक साथ मिला के देखिए ऐसे ऐसे बुन लेंगे, और ये एंड का फंदा है इसको भी एक साथ देखिए दो को मिलाकर एक साथ बुन लेंगे। तो ये आपके सारे फंदे कास्ट ऑफ हो गए। अब आपका ये एक फंदा बचा है, इसको आप बस थोड़ा सा ऊन लेंगे, आपको यहां से लेकर यहां तक व्हाइट कलर के ऊन से सिलाई करनी है। तो उसके लिए आप बस इतना सा ऊन लेके बाकी का ऊन कट कर लीजिए। इतना आपको ऊन चाहिए। अब इसको देखिए हमें यहां से इस फंदे पे से ऐसे निकालना है ऊन को, वैसे खींच लेंगे। अब इसकी सिलाई होगी, ये जो आपका पिंक वाला ऊन है इसको आप इतना ले लीजिए कि आप इसकी पूरी सिलाई पिंक कलर के ऊन से ही होगी, अब नीचे के पूरी पार्ट की। तो पिंक कलर का ऊन इतना ले लीजिएगा, देखिए करीब इतना जितना आपका ये वाला पार्ट है, इससे बहुत ज्यादा आपको लेना पड़ेगा तभी आपकी सिलाई हो पाएगी। इतना ऊन हमने कट कर लिया। अब आप ऊन से जो ऊन सिलने वाली सुई होती है उसमें ये वाले ऊन को डाल लीजिए। पहले हम ये वाला पार्ट सिल लेंगे व्हाइट वाला, फिर उसके बाद हम पिंक कलर का पार्ट बाद में सिलेंगे, पहले ये वाला इसमें आप सुई डाल लीजिए अपनी। इसे सिलाई करने के लिए देखिए हमें ये जो इसका राइट हैंड वाला सारा ये वाला राइट साइड वाला पोर्शन है बिल्कुल ये वाला फ्रंट वाला बिल्कुल देखिए ये वाला, इसे हमने ऐसे ही फोल्ड करना है। वैसे हम हमेशा उल्टी तरफ को फोल्ड करके सिलते हैं, लेकिन यहां से लेकर के यहां तक का जो आपका पोर्शन है ये आपका
फ्रंट वाली साइड की तरफ से ही सिला जाएगा। तो देखिए आपने ये वाला ऊन अपने निडल में डाल लिया है। अब इसको यहां से लेकर यहां तक आप व्हाइट कलर से सिलेंगे। इस तरीके से देखिए एक एक फंदे पर इधर के और इधर के हमें सुई को डालकर ऐसे सिलना है, इस तरीके से। यहाँ पे आपका ये व्हाइट कलर का ऊन का अब यूज हो गया है पूरा कंप्लीट। तो यहाँ पे आप पक्का टाका कर लेंगे। देखिए इस तरीके से इस पे डालकर इसे निकालेंगे सुई को, तो आपका ये पक्का टाका हो गया। अब आप इस वाले ऊन का पोर्शन जो आपका कंप्लीट हो गया है इसका काम, अब आप इस ऊन को अपने एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ऐसे ये वाला जो आपके व्हाइट कलर का ये वाले आ रहे इस पे कहीं कहीं पे अपना ऐसे ऊपर ही ऊपर से देखिए आपको इस फंदे पे डाल डाल के इसे निकालना है, ऐसे ही थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरीके से। तो आपका ये जो ऊन है ये ऐसे ही एडजस्ट हो जाएगा अंदर ही अंदर। ये इतना ऊन आपने ऐसे अंदर ही अंदर करके ऐसे अब इसे आप कट कर लेंगे। तो ये ऊन आपका एडजस्ट हो गया है। अब इसके बाद आप इस ऊन में अपनी निडल को डालेंगे ये वाली, और यहां से लेकर के यहां तक की सिलाई आप ऐसे ही करेंगे सीधी साइड से, जैसे मैंने आपको अभी बताया वैसे ही सिलना है आपको। थोड़ा सा मैं सिल के दिखा दे रही हूं, ये देखिए ये आपको ऐसे पकड़ पकड़ के ऐसे सिलना होगा। एक फंदा इधर का लेना है और एक इधर का लेना है, और ऐसे कि एक इधर का और एक इधर का फंदा लेकर इसे सिलते जाना है। इतना पार्ट आप अपना यहां तक का सिल लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी आपको क्या करना है इतना पार्ट। इस तरीके से देखिए यहां तक हमने सिल लिया है। अब यहां पे आप पक्का टांका कर लीजिएगा। यहां पे देखिए ऐसे लेकर और ऐसे पक्का टांका कर लेंगे। अब ये वाला हमारा याली सिलाई पूरी हो गई है। इसे अब हम इस वाले सॉक्स को उल्टा कर लेंगे ऐसे। अब इसे उल्टा करके अब इसकी सिलाई जो होगी यहां की ये उल्टा करके यहां से होगी। देखिए ऐसे ही आपको आगे भी सिलाई करनी है, ऐसे फंदे मिला मिलाकर सिलते जाइए। देखिए ऐसे हम यहां तक सिल गए। अब इसके बाद इसके इधर का पार्ट सिलना है हमें, ये भी हम ऐसे ही सिलेंगे बिल्कुल मिला मिलाकर। पिंक कलर वाले ऊन से ही हमें सिलना है। तो देखिए
यहां से यहां पे ऐसे करके सिलेंगे। इन ऊन को हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, अभी बस पिंक कलर से ऐसे हम सिल लेंगे। ये देखिए ऐसे। अब इसके तले वाला पार्ट है, ये वाला हमारा है, इसको भी आप ऐसे ही सिलते जाएंगे। अब ये नीचे का पार्ट है, इसे भी ऐसे ही सिलेंगे। एक एक फंदा मिला मिला के आपको सिलना है। अब यहां से लेकर यहां तक इसको आप पूरा सिल के फिर आप, मैं आपको बाद में बताऊंगी आपको पक्का टाका कैसे करना है और ये ऊन कैसे एडजस्ट होंगे। आप यहां से यहां तक अपना सिल लीजिए इस तरीके से। देखिए हमारा ये पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब यहां पे हम अपना पक्का टाका कर लेंगे इस तरीके से। अब ये हमारा पूरा, हमने याला पार्ट भी सिल लिया है और ये सारा भी सिल लिया है। अब ये मैं आपको ऊन बताती हूँ आपको कैसे एडजस्ट करना है। इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है ऊन का, ये आप अपना थोड़ा सा कट कर लीजिए 1 इंच के करीब छोड़कर, और यहाँ का भी आप 1 इंच के करीब छोड़कर बाकी का पार्ट कट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपने पक्का टाका कर लिया है, अब इसे आप यहां से कट कर लेंगे। ये आपकी सुई है, इसमें देखिए ये वाला ऊन लेकर इसे हम अंदर ही अंदर ऐसे एडजस्ट करेंगे। देखिए कहीं कहीं से ऐसे अंदर अंदर निकाल के फंदा इसे ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। और ये वाला जो आपका ऊन है, इसको आप, दो पार्ट है आपके ऊन के, दोनों को नॉट लगा लेंगे पक्की वाली, और इसको एक्स्ट्रा जो इसका पार्ट है इसे आप ऐसे कट कर लेंगे, तो ये आपका अंदर ही एडजस्ट हो जाएगा सब कुछ। इसे हम सीधा करेंगे। देखिए हमारा ये इसका, ये देखिए इस तरीके से हमारा ये शूज बनके रेडी हो गया है। अब हम इसके आपको ईयर बनाने बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये ईयर बनाने के लिए हमें अपनी सिलाई में 22 स्टिच डालने हैं, 22 फंदे लेने हैं। जिस भी मेथड से आपको फंदे डालने आते हैं आप डाल सकते हैं, मैंने लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड से डाले हैं इसमें फंदे। अब देखिए 22 फंदे हमने लिए हैं। अब इसकी हमें फर्स्ट रो कैसे बुननी है, देखिए सारे फंदे हमें बैक साइड से उल्टे बुनने हैं में, ये वाली सिलाई में सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे हम। देखिए ऐसे हर फंदे को उल्टा बुनते हुए ये वाली रो आप अपनी कंप्लीट कर लीजिए। ये ऊन ज्वाइन करने के बाद पिंक कलर के ऊन से हमें ये वाले सारे फंदे देखिए सीधे बुनने हैं इस रो के। ये हमारी फ्रंट साइड का पार्ट है तो सारे फंदे सीधे बुने जाएंगे। इस तरीके से सारे फंदे हमने सीधे बुने, फ्रंट साइड की रो है हमारी। अब बैक साइड की रो में सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। इसी तरीके से आपको 8 सिलाई कंप्लीट करनी है। ये आपकी दूसरी सिलाई है। इस सिलाई के बाद आपको 6 सिलाई और कंप्लीट करनी है। फ्रंट साइड की रो के सारे फंदे सीधे बुनने हैं और बैक साइड की रो के सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। और अपना ये पिंक कलर से
8 सलाई बुननी है पूरी मिलाकर। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने अपनी ये 8 सलाई कंप्लीट कर ली है पिंक कलर से। अब हमें व्हाइट कलर से बुनना है आगे का पार्ट इसका। तो देखिए इसमें हम व्हाइट कलर की ऊन का यूज करेंगे। एक सलाई हम पूरी ये वाली फ्रंट साइड की रो सीधी बुनेंगे और बैक साइड की रो पूरी हम उल्टी बुनेंगे और फिर उसके बाद हम फंदे इसके कास्ट ऑफ करेंगे। ये सारी सलाई आप सीधी बुन लीजिए पूरी और बैक साइड की सलाई उल्टी बुन लीजिए, सारे फंदे उल्टे, और फिर यहाँ पे हम फंदे कास्ट ऑफ करेंगे उसके नेक्स्ट वाली रो में। दो सलाई अपनी हमने याली कंप्लीट कर ली है। देखिए बैक साइड की रो उल्टी बुन के भी कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पे फंदे अपने कास्ट ऑफ करेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और दूसरा फंदा बुनेंगे और इसको पहले फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। ऐसे ही बुनते हुए ये वाले फंदे कास्ट ऑफ करेंगे सारे। एक फंदा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को निकाल देंगे आगे वाले फंदे के ऊपर से इस तरीके से। ऐसे आप अपने ये वाले सारे फंदे कास्ट ऑफ करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अब हमारे पास दो फंदे बचे हैं। अब इन्हें भी आप ऐसे ही कास्ट ऑफ कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए ये जो आपका ऊन है इसे हमने इतना ले लिया है कि जिससे हम सिलाई कर सके और इसे हम ऐसे निकाल लेंगे। एयर आपका बन गया है। अब इसे हमने यहां से देखिए ऐसे करके फोल्ड करना है और इसे ये वाले उनको भी आप पिंक वाले उनको इतना कट कर लीजिए कि आपको जो इसमें सिलाई करनी है इसके लिए ही रखना है बस ऊन। तो इतना पार्ट इसका कट कर लीजिएगा। व्हाइट कलर के जो आपका ये लंबा वाला सिरा है इसका, इसे अपनी सुई में डाल लीजिए। और इसे देखिए आपने ऐसे फ्रंट साइड की तरफ ऐसे करना है और इसे यहां से लेकर के यहां तक पूरा सिलना है। देखिए ऐसे लेते हुए फंदे आपको थोड़े थोड़े एक एक टांका लेते हुए इसको ऐसे सिलना होगा। तरीके से हमारी ये पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे आप इसे ऐसे करके पक्का टांका कर लेंगे लास्ट में ताकि ये सिलाई खुले नहीं ऐसे। और देखिए आपका ये ऐसे करके ये ईयर बन जाएगा। अब हम इसे यहां से लेकर यहां तक इसको इतना सिलने के बाद अब देखिए हमें फिर से इसे फोल्ड करके दोबारा सिलना है, ऐसे करके सिलना है अब हमें। तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन है जो हमारे फंदे डालने के बाद बचा था इसे हम इसके अंदर ही ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। देखिए इसे हम ऐसे ऊपर की तरफ लेते रहेंगे और इसके साथ ही साथ सिलाई भी होती रहेगी हमारी। देखिए ऐसे ही आपको ऊपर ही ऊपर के ऐसे फंदों पर अपनी सुई को डालकर इसे ऐसे हल्का हल्का सिलना है, ज्यादा गहरे गहरे टांके नहीं लगाने। और ये व्हाइट वाली ऊन को भी ऊपर की तरफ ऐसे ही लेते हुए अंदर की तरफ एडजस्ट करते जाना है।
देखिए ऐसे, और ये आपका एंड में आप ऐसे लेकर इसे और यहाँ पे पक्का टांका कर लीजिएगा, ताकि आपका ये ऊन जो है ये खुले नहीं इस तरीके से। अब ये जो आपके पास ये वाला ऊन है, इसे आप ऐसे ही देखिए अंदर अंदर लेते हुए ऐसे नीचे की तरफ निकालेंगे ऐसे। अब ये एक्स्ट्रा ऊन जो आपके है, इन्हें आप कट कर लेंगे। अब आपको पिंक कलर का ऊन ये वाला है, इसे अपनी सुई में डालना है और इसको आपने इस तरफ से सिलना है। तो देखिए इसे आपने ऐसे यहां पे ऐसे सिलना है। देखिए यहां पे आप इसे ऐसे सिल लेंगे, और ये जो आपका ये वाला ऊन है एक्स्ट्रा वाला, ये वाइट ये जो आपका है, इसे यहां पे नॉट लगा के और इस वाले छोटे वाले ऊन को ऐसे यहाँ पे कट कर लेंगे। अब आपकी जो सिलाई होगी ये वाले ऊन से होगी। देखिए फ्रेंड्स, अब इसको ऊन को हम ये हमने पीछे से ईयर अपना पूरा सिल लिया है। अब इसका देखिए नीचे का पार्ट ऐसे हम सिल लेंगे पिंक कलर के ऊन से। देखिए ऐसे लेते हुए हम इसे एक दो टांके इस पे लगा लेंगे, ताकि ये नीचे से भी ऐसे मजबूत हो जाए। फिर हम इसको अपने सॉक्स पे जॉइन करेंगे जो हमने बूटी बनाई है उस पे। पहले हम इसे यहाँ पे मजबूत कर लेंगे ऐसे। ऐसे यहाँ पे अब पक्का टांका करके ऐसे हमारा पूरा मजबूत हो गया है। अब ये जो एक्स्ट्रा ऊन है आपका, इसे आप कट कर लेंगे। इसे हम अब सिलेंगे अपने शूज पे। देखिए मैं आपको सिलने का तरीका बता देती हूँ थोड़ा सा। इसे आप अपने देखिए ऐसे शूज पे रखेंगे इस तरीके से, और इस पिंक कलर के धागे से ऊन से इसे यहां से सिलेंगे। देखिए इधर से ऊपर इस सॉक्स पे से इस ईयर पे से देखिए ऐसे ऊन को निकाल लेंगे नीचे की साइड पहले, फिर इस पे से इसे पास करेंगे। देखिए ऐसे फिर इसे ऊपर निकाल लेंगे, फिर इसे देखिए यहां से अंदर डालेंगे अपनी सुई को और इस तरीके से इसे सिलेंगे। इस पे हम थोड़ा ज्यादा मजबूत कर लेंगे, ताकि ये जो ईयर हमने बनाए हैं ये इस पे बिल्कुल स्ट्रेट रहे। कम टांके लगाएंगे, हल्के से सिलेंगे तो ये फिर इधर उधर हिलते ढुलते रहेंगे। थोड़ा सही से आपको इसे सिलना होगा, 7-8 बार टांके लगाने होंगे करीब इसमें। इस तरीके से निकालते हुए देखिए ऐसे लेते हुए देखिए ऐसे हम इसे सिल लेंगे। और फिर जब आपको खुद लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल मजबूत हो गया है, तो आप अपना ये वाला ऊन पीछे से लेकर और इसे यहां से देखिए यहाँ पे इसे ऐसे लेकर यहाँ पे पक्का टांका ऐसे कर लीजिएगा एक बार और कर लीजिएगा ऐसे लेकर। देखिए यहाँ पे देखिए
कहीं पे भी इसको थोड़ा सा हमने ऐसे लेना है, एक टांके पे से निकालना है और इसे यहाँ पे पक्का टांका करके फिर इसे यहाँ पे हम कट कर लेंगे। इसी तरीके से आप अपना दूसरा जो ईयर बनाएंगे वो भी ऐसे ही ज्वाइन कर लेंगे। और एक मोती हमें यहाँ पे लगाना है, मार्केट में आपको अवेलेबल होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये वाले मोती मैंने इसमें लगाने के लिए लिए हैं, ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आराम से मिल जाते हैं। ये वाला एक मोती हम लेकर और अपने ऊन, वाइट कलर की ऊन को हमने अपनी सुई में डाला है और इस पे यहाँ पे नॉट लगा देंगे और इसे यहाँ पे हमें टांकना है इस मोती को। तो पहले आप यहाँ से देखिए सुई डालकर अपनी बिल्कुल सेंटर में ऐसे थोड़ा सा, देखिए सेंटर से थोड़ा सा इस तरफ हमने लिया है ताकि मोती बिल्कुल एकदम सेंटर में आए। देखिए ऐसे करके ये लिया है हमने। देखिए अब इस मोती को इसके अंदर से ऐसे निकालेंगे हम और इसे यहाँ से यहाँ पे लेकर और यहाँ पे पक्का टांका कर लेंगे। ऐसे दो जो हमने मोती लगाया है और ये जो ऊन है इन दोनों को पकड़ के यहाँ पे हम सिल लेंगे, नॉट लगा लेंगे अपनी बैक साइड से। देखिए यहाँ से बैक साइड से हम इसमें पक्की नॉट लगा लेंगे ऐसे और एक बार और। तो देखिए इस तरीके से हमारा मोती यहाँ पे ये लग जाएगा। एक और ईयर हम बनाएंगे और इसमें यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, फिर हमारा पूरा ये जो शूज हैं बनके रेडी हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे ये शूज बनके एकदम रेडी है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे सारी न्यू वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।